नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर, आप देख रहे हैं ड्राइविंग मास्टर। सो आज के वीडियो में हमारे साथ है विराज। विराज का लास्ट डे है आज। सो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको कोर्स वगैरह, कैसा लगा विराज आपको सब? कोर्स एकदम अच्छा था, मैंने कभी सोचा नहीं था एक्चुअली कि मैं इतना, मतलब 9 डेज का जो कोर्स है उसमें इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। बट थैंक्स टू अमर सर। क्या क्या सीखा आपने? एक्चुअली पूरा कोर्स था, मुझे मतलब लाइक बेसिक से सीखना था पूरा, स्टार्टिंग से सीट एडजस्ट कैसे करना है, से क्या लाइक मिरर एडजस्ट कैसे करना है, से लेके मतलब लाइक नॉर्मल ट्रैफिक एरियाज में, मार्केट एरियाज में, सिटी में। उसके बाद मतलब घाट सेक्शन में लोनावला वगैरह जाके आए हम लोग एक दिन। बाद में नाइट ड्राइविंग का एक सेशन था, तो थोड़ा मतलब लाइट्स एंड और का कैसे सब करना है वो सीखा। तो इफेक्टिव था पूरा कोर्स? यस, पूरा इफेक्टिव था। पार्किंग का सीखा एक दिन, मतलब हमारे यहाँ पे पजल पार्किंग है तो एक दिन हमने पूरा उसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। बाकी अभी आप ऑफिस वगैरह रेगुलर लेके जाते हो गाड़ी? ऑफिस जितने भी दिन जाते हैं उतने दिन मेरा ही गाड़ी जाता है ऑफिस। अभी इसके पहले कभी ड्राइविंग स्कूल लगाया था आपने? ड्राइविंग स्कूल तो 2 बार किया मैंने, बहुत टाइम पहले, दस एक साल पहले भी किया था और अभी रिसेंटली में भी किया था 3-4 महीने पहले। बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फिर भी, कि उन्होंने जितना सिखाया है या उनका ट्रेनिंग उतना मतलब कंप्लीट नहीं लग रहा था कि मैं मेरा खुद का गाड़ी ऐसे सिटी में या बाहर कहीं पर भी लेके जाऊँ। तो क्या डिफरेंस लगा आपको ड्राइविंग स्कूल और हमारी ट्रेनिंग में, बेसिक डिफरेंसेस और क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब उधर नहीं हो पाया और डिफरेंस तो बहुत है। मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मतलब खुद का गाड़ी लेके ऐसे जा सकूंगा ऑफिस या डेली जो काम है अपना, तो वो सब जो चीज़ें हैं एंड जो प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग, ऐसे नहीं है कि मतलब हाँ चलाओ और मतलब कुछ भी मतलब सिर्फ आना चाहिए, वो प्रॉपरली कैसे करना है, क्लच कैसे दबाना है, ब्रेक कैसे दबाना है, रेगुलर लाइफ में कैसे चलाना है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइसेंस के लिए सीखा। लाइसेंस के लिए भी नहीं, और मतलब कैसे कि ज्यादा मतलब फटीक भी नहीं आने चाहिए, थकावट नहीं होना चाहिए, वो पूरा सब मतलब अमर सर ने पूरा सब कम्प्लीट करके देन अभी आदत अच्छी लगने लगी है। मतलब तो अभी अकेला चलाने को कुछ टेंशन नहीं? कुछ टेंशन नहीं है अभी। तो हमारे साथ इन्होंने जैसे ही ख़त्म किया तो इनकी वाइफ ने स्टार्ट किया, तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मतलब कि जैसे इन्होंने बताया, हमने 3-4 महीने पहले एक कोर्स लगाया था, तो उधर सिर्फ मैं फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलाती थी, थर्ड और फोर्थ मुझे कभी डालने ही नहीं मिला था। तो कॉन्फिडेंस एंड ऑल सब मेरा अभी बढ़ गया है। और वैसे तो जरूरत नहीं है विराज के लिए, पर फिर भी कैसे रहा अपना आज का घोड़बंदर का और पूरा गायमुख का ट्रिप? अच्छा था, आज का लास्ट सेशन था और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, मुझे खुद में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हो गए हैं। जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए अभी आज? यस। तो लास्ट डे पे ऐसा लग रहा है ना कि जितना भी था कवर हो गया सब? यस, फ्लॉस था। कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा 5th टॉप गियर पे गाड़ी चला पाऊंगी। जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, यानी कि स्पीड ब्रेकर का प्रॉब्लम, पार्किंग के इश्यूज, ओके, गियर शिफ्टिंग, यस, गियर शिफ्टिंग सब हो रहा है अभी? हो रहा है, समझ में आ रहा है यानी कि गाड़ी कैसे चल रही है। विराज आपको कैसे लग रहा है राधिका का ड्राइविंग? अच्छा लग रहा है, मतलब पहले दिनों से आज थोड़ा रिलैक्स बैठा हूँ पीछे, तो हमेशा टेंशन रहता था। हाँ, अभी वो टेंशन चला।
थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। और अच्छा चला रही है वाकई मेरा दिखा। फर्स्ट डे जो इनका था बहुत डर रही थी है। और अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग हाईवे वगैरह सब कवर कर लिए। सो अगर आपके घर पे भी कोई रहेगा जिनको ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं या फिर कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक और डिटेल्स दे देता हूँ।